Hey, hi everyone, this is Mayank Kothari. So we have this question in front of us regarding the working capital management chapter. हमने पिछले concepts, पिछले lectures में कुछ concepts देखे हैं. उसमें हमने ये भी देखा था कि operating cycle क्या होता है. Operating cycle मतलब हमने कितना पैसा, हमने पैसा देने से लेके वापस आने तक कितने दिन लगते हैं. मतलब एक पूरी cycle operations की complete करने में कितने दिन लगते हैं. So this question is based on that concept only. Let's read this question first. From the following information of XYZ Limited, you are required to calculate net operating cycle period and number of operating cycle in a year. यानी कि पहले तो आपको बताना है कि net operating cycle का period कितना है, 30 दिन, 50 दिन, 85 दिन, 85 दिन क्या है, और उसके बाद बताना है कि ऐसे साल भर में कितनी cycle आप complete करते हो. आपको कुछ detail दी हुई है, raw material की inventory जो consume की 6 लाख की, average stock कितना है raw material का, work in progress की inventory जो consume की, एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री यानी कि आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एवरेज फिनिश गुड्स स्टॉक हेल्ड, एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम डेटर्स, एवरेज क्रेडिट पीरियड अवेल्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, नंबर ऑफ डेज इन ईयर 360 डेज. सो बस इतनी डिटेल आपको दी हुई है और आपको बोला गया है कि ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है. सो व्हाट वाज द बेसिक फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द ऑपरेटिंग साइकिल. यहाँ हम ले लेते हैं अलग से कि फर्स्ट आइटम है आपका ये ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड. सो इसका फॉर्मूला था हमारा कुछ, हम लेते थे कि रॉ मटेरियल में कितने दिन पैसा फंसा हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस में कितने दिन पैसा फंसा हुआ है, फिनिश गुड्स में कितने दिन फंसा हुआ है, डेटर्स में कितने दिन फंसा हुआ है, सॉरी डेटर्स में कितने दिन फंसा हुआ है, लेस क्रेडिटर्स में कितने दिन फंसा हुआ है, मतलब क्रेडिटर से कितना हमको अवेल हुआ क्रेडिट पीरियड. सो बेसिकली हमको बस यही चीज़ें निकालनी है और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा. एक एक करके यहाँ पे आप वर्किंग नोट बनाते हैं. रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, स्टोर्स डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल स्टोर होके रहते हैं. सो एवरेज स्टॉक कितना है, मतलब कितना रॉ मटेरियल वहाँ पड़ा रहता है ऑन एन एवरेज साल भर, आप ये पता कर लो. मान इमेजिन करो एक एक रूम है जिसमें स्टॉक पड़ा रहता है साल भर तक, तो एवरेज कितना स्टॉक पड़ा रहता है वो आ जाएगा हमारा एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. ठीक है. अब उसके बाद क्या होता है, वो रूम से माल निकलता है प्रोडक्शन हाउस में जाता है, तो कितना स्टॉक पड़ा है हमारा एवरेज 50,000 हर साल भर तक, सॉरी साल भर तक 50,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है. आपको निकालना क्या है कि भाई वो स्टॉक कितने दिन तक उस रूम में पड़ा रहेगा. सो एक चीज़ ध्यान दो, क्या वो स्टॉक जो 50,000 का एक ही दिन में खाली हो जाएगा, नहीं, जब जब रिक्वायरमेंट आएगी तब तब प्रोडक्शन हाउस में माल भेजा जाएगा, तो वो 50,000 का माल धीरे 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 कम होएगा और एक दिन ख़त्म हो जाएगा. सो कितने दिन वो वहाँ पड़ा रहेगा ये निकालने के लिए हमको ये पता करना पड़ेगा कि भाई रोज़ कितना माल उसमें से कम हो रहा है, रोज़ कितना माल उसमें से कम हो रहा है. कम हो रहा है तो जा कहाँ रहा है, प्रोडक्शन हाउस में जाता है, प्रोडक्शन हाउस में जाके कंज्यूम होता है. ठीक है. सो हमको क्या निकालने की ज़रूरत है कि डेली कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, कि हम डेली कितना कंज्यूम करते हैं रॉ मटेरियल का. सो 50,000 में से मैंने मान लो 1,000 रोज खत्म किया, तो 50 दिन लगेंगे पूरा खत्म होने के लिए. सो 50 दिन विल बी द स्टोरेज पीरियड. सो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारा यहाँ दिया हुआ है हमको 50,000, वो मैंने ले लिया. डिनोमिनेटर में कंजम्पशन, डेली कंजम्पशन लेना है, तो आप एक काम करो, साल भर का कंजम्पशन लो, डिवाइडेड बाई 360 कर दो, तो डेली कंजम्पशन आ जाएगा. साल भर का कंजम्पशन इज 6 लैक्स,
डिवाइडेड बाय 360, सो ये आपके डेज पता चल जाएंगे आपको। थर्टी डेज। सेकंड वर्किंग पे आता हूँ, डब्ल्यू आई पी स्टोरेज पीरियड सेम, एवरेज स्टॉक कितना रहता है मेरा डब्ल्यू आई पी का साल भर, डिवाइडेड बाय डेली। क्या आप सोचो, अब आपको अगर याद है तो हमने लास्ट लेक्चर में जो कंसेप्ट देखा था ऑपरेटिंग साइकिल का, उसमें हमने एक डायग्राम बनाई थी। सो पहले स्टोर्स डिपार्टमेंट, फिर ये प्रोडक्शन हाउस रहता था जहाँ पे प्रोड्यूस होता था। तो यहाँ से माल जाता कहाँ है, यहाँ से माल प्रोड्यूस होता है। सो हमको क्या लेना पड़ेगा, डेली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री आपको एवरेज दी हुई है 30,000 की, ठीक है। अब यहाँ पे वर्डिंग्स डायरेक्ट यूज़ नहीं की हुई है कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वर्डिंग्स डायरेक्ट यूज़ नहीं की हुई है। आपको आपको खुद पता लगाना होगा कि क्या फिगर होगी वो वहाँ क्वेश्चन में, ठीक है। आपको सिंपल सा चीज़ दिख रहा है वहाँ पे, वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री कंज्यूम दिख रही है 5 लाख रुपये की, वो डब्ल्यू आई पी से रिलेटेड ही कंजम्पशन है, मतलब वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही होगी, ठीक है। सो हम यहाँ पे 5 लाख ले लेंगे, लेकिन ये 5 लाख साल भर का है, डिवाइडेड बाय 360 करूँगा तो मेरे को पता चलेगा कि मैंने डेली कितना माल प्रोड्यूस किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी। आप ही सोचो, साल भर यहाँ फैक्ट्री में 30,000 का माल पड़ा रहता है, तो उसमें से रोज़ मान लो कुछ माल बन के तैयार होएगा तो यहाँ से स्टॉक निकलेगा, डब्ल्यू आई पी से प्रोडक्शन में जाएगा, रॉ मटेरियल से डब्ल्यू आई पी, डब्ल्यू आई पी से प्रोडक्शन, ठीक है। सो रोज़ कितना माल प्रोड्यूस होता है, 1388.88 का इंटू 30,000 अगर आप करोगे तो ये आएंगे आपके 21.6 डेज। आप उसको 22 भी ले सकते हो, बाद में देखते हैं। थर्ड, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड। सो ये भी वैसे ही कि एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय व्हाट। देखो स्टोर्स डिपार्टमेंट से माल गया प्रोडक्शन हाउस में, प्रोडक्शन हाउस से प्रोड्यूस होकर गया फिनिश गुड स्टोर्स में। अब यहाँ से माल हमको हटाना है, हमको पता करना है कि यहाँ पे कितना दिन पड़ा रहेगा, कितने का है फिनिश गुड्स का स्टॉक आपका 40,000 का। सो आपको बताना है कि ये 40,000 कितने दिन यहाँ पे पड़ा रहेगा, मतलब हमको निकालना है कि कब यहाँ से निकलेगा, ठीक है, कितने दिन बाद यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ से निकल के जाता कहाँ है, अगर फिनिश गुड्स डिपार्टमेंट से निकलेगा तो वो डेटर्स के पास जाएगा, यानी सेल होगा। दिस इज कॉल्ड एज डेली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो वो आपको डायरेक्टली ये नाम से नहीं दिया हुआ है, दूसरी फिगर दी हुई है आपको 8 लाख की, डिवाइडेड बाय 360। तो ये आपके आएंगे 18 डेज। बस खत्म, इतनी ही चीज़ें हैं यहाँ पे सिर्फ, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ फाइनल आंसर में, बाकी तो दो आपको ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है। सो दिस इज 30 प्लस 21.6 प्लस फिनिश गुड्स 18 प्लस, अगर आप डेटर्स बोलोगे तो डेटर्स को 45 डेज का क्रेडिट पीरियड हमने दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और 30 डेज क्रेडिटर से। सो ये 30 डेज यहाँ आ जाएंगे। सो इट कम्स टू 84.6 डेज का ऑपरेटिंग साइकिल। अब सेकेंड आइटम में निकाल लेता हूँ, सेकेंड आइटम आपको पूछा था कि साल भर में ऐसे कितनी ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट करते हो, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ईयर।
अब आप ही सोचो, एक ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट करने 84.6 डेज लगते हैं, 360, तो साल भर में कितनी कंप्लीट होगी? 84 में एक, फिर और 84 में दो, फिर और 84 में तीन, फिर और 84 में चार, टोटल डेज तो हमारे पास साल भर में 360 ही है ना, डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड, 360 डिवाइडेड बाय 84.6, यानी साल भर में हम सिर्फ 4.255 टाइम्स फोर पॉइंट टू फाइव फाइव ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं। टाइम्स नहीं आएगा, नंबर ऑफ नंबर में आएगा वो चीज़। सो दीज आर योर टू आंसर्स, यू कैन नोट डाउन दीज आंसर्स। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। मतलब पहले जब माल आता है तब 30 दिन स्टोर्स डिपार्टमेंट में रहता है, 21.6 डेज WIP में रहता है, 18 डेज वहाँ रहता है, 45 डेज कस्टमर के पास रहता है, और 30 दिन का क्रेडिट मिला, तो इन सब का एडिशन लेस वो 30। आंसर्स नोट डाउन कर लो। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन दिस क्वेश्चन यू कैन फील फ्री टू आस्क मी। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर पर मूव ऑन करते हैं और कुछ थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन देखते हैं। बाय बाय।